देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है ना भगत ताराचंद होटल का स्टाइल का मैंने दाल दिखाया आप लोगों को। मैं कैसा बनाया वैसे ही डाल के आप लोग बनाइए, घर में खा लीजिए। आप बना के खाने के बाद कैसा टेस्ट आया मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसा है, भगवान दया से सब अच्छा है, सब हेल्दी है, सब खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को प्रेयर कर रही है। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ भगत ताराचंद होटल जैसा दाल फ्राई दिखा रही है, बहुत ही बढ़िया है। भगत ताराचंद होटल बॉम्बे में बहुत ही फेमस है, वो दाल फ्राई भी बहुत फेमस है। कैसा बनाने का मैं दिखा रही हूँ। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरा चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। एक कप मैंने मूंग दाल लिया है, कोई सा भी कप ले लीजिए। आप लोग कितना लोगे वो मेजरमेंट से ले लेना, ज्यादा लोगे तो ज्यादा लेना, कम में तो छोटा कप में भी ले सकता है। मैंने ये कप का मेजरमेंट लिया है, एक कप मैंने मूंग दाल लिया है। ये मूंग दाल मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है। आप लोग को पास टाइम नहीं तो 15 मिनट भी भिगो के रख देना, एकदम अच्छे से पक जाएगा ना, तभी अच्छा बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। अभी एक विजिल में जल्दी बन जाएगा, भिगो के रखेगा तो, नहीं तो 3-4 सीटी लेना पड़ता है। मैं 3-4 बार धो के अच्छे से पानी में आधा घंटा भिगो के रखा है। अभी क्या करने का दिखाती हूँ। अभी दाल डायरेक्ट कुकर में चढ़ा रही है, मैं अभी दाल डाल दिया है। मैंने ये कप से दाल लिया ना भर के, इसमें से 5 कप पानी डाला है। कौन सा कप से दाल लिया वो कप से मैंने 5 कप पानी डाल के कुकर में चढ़ा रही है। इसके अंदर 2 टीस्पून नमक डाला है मैंने। आप लोग को कितना नमक चाहिए वो हिसाब से आप लोग ले लीजिए। मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दिया है। अभी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम लोग। अभी गैस में चढ़ा देंगे। अभी कुकर रखा है, गैस चालू कर रही है। अभी विजिल रखा है, अभी गैस मीडियम में रखेंगे, एकदम हाई में नहीं रखना। छोटा गैस है तो थोड़ा मीडियम से ज्यादा रख दीजिए, बड़ा गैस है तो मीडियम में रख दीजिए। अभी भिगो के रखा ना हम लोग ने आधा घंटा, एक विजिल आएगा तो बस से, नहीं भिगोगे तो आप लोगों को टाइम नहीं है। 3 विजिल्स आने दीजिए, मैं तो 1 विजिल में बंद कर दूंगी। अभी दाल बन रही है ना, तब तक हम लोग ये प्याज को अच्छे से भून के रखेंगे। छोटा छोटा प्याज है, मैंने 8 लिया है। आप लोग को दाल के हिसाब से आप लोग मेजरमेंट ले लीजिए। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही है भूनने के लिए, थोड़ा सा ही डाला है, उसके अंदर ये भून के रखेंगे हम लोग। ये दाल का मेन स्टेप है, ये अच्छा भुनेगा, दाल बढ़िया बन जाएगा। धीरे आंच में रखने का है, हाई में नहीं रखने का। ब्राउन कलर आ जाएगा तभी एक अच्छे से टेस्ट आ जाएगा प्याज का। हाई में रख के एकदम जला हुआ ये नहीं बनाने का, प्याज का मिठास बाहर आ जाएगा। एकदम सिम में रख के आराम से भूनने का, इसका एकदम बढ़िया टेस्ट प्याज के साथ ही दाल का आ जाता है। देखने अभी प्याज थोड़ा सा देखिए भूनने के लिए अच्छे से हो रही है, और भी होने का है। थोड़ा बीच बीच में आप इसे हिलाते रहना आप लोग, एकदम छोड़ने का नहीं, बीच बीच में हिलाते रहिए आप लोग, नहीं तो जल जाएगा। 2 मिनट ऐसा हिला के फिर आप लोग काम कर लीजिए, फिर आके 2-2 मिनट में 1-1 मिनट में थोड़ा सा हिलाते रहने का, एकदम ऐसा भूनने का। अभी निकाल रही, गैस बंद कर दिया मैंने। थोड़ा सा इधर उधर होगी तो भी आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, एकदम दिख रहे हैं ना आप लोगों को। अभी मैंने इसमें निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, एकदम अच्छा दिखेगा। कितना सारा प्याज डाला हम लोग, 8 प्याज डाल दिया, 3 प्याज का मसाला बन गया है। एकदम देखना जलना नहीं चाहिए, एकदम ऐसा कलर आने का, एकदम अच्छे से ऐसा भूनने का है। अभी दिखाती हूँ कैसा दाल में तड़का लगाने का है। अभी दाल बन गया है एकदम, देखना। आप लोगों को थोड़ा तिक चाहिए तो भी तिक भी थोड़ा पानी कम डाल दीजिए, नहीं तो मेरा पानी मेजरमेंट का बराबर हो गया। ऐसे ही दाल अच्छा लगेगा ना, रोटी में चावल में एकदम बढ़िया दिखेगा, एकदम अच्छा बन गया है, देखना। अभी प्याज भून के रखा है ना, वही कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही है, 1 टेबल स्पून डाला। अभी 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हींग डाला है। हींग बहुत इम्पोर्टेंट है दाल में, तभी खुशबू आ जाएगा आप लोगों का, इंडाइजेशन है तो भी निकल जाएगा हींग के साथ। अभी हरी मिर्ची डाल दिया मैंने, 2 हरी मिर्ची काट के डाल दिया। आप लोगों को कितना तीखा चाहिए वही हिसाब से आप लोग डाल दीजिए।
लोग हल्दी डाल दिया ना पहले दाल में, अभी चाय तो थोड़े डाल देंगे, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। एकदम थोड़ा सा मिर्ची भुनेगा ना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अभी दाल डाल देंगे हम लोग, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया, कितना अच्छा टेस्ट ही दिख रही है, खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रही है। हिंग वगैरह डाला, जीरा डाल दिया ना, बढ़िया आ जाएगा। अभी नमक भी हम लोग पहले डाल के रखा है, कम हो गई तो हम लोग बाद में डाल सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है डालने के लिए। अभी एक दो उबाल आने के तक हम लोग रखेंगे इसका। अभी दाल बन गए हैं, अभी गैस बंद कर रही है, देख ना दो तीन उबाल आ गया है, अभी गैस बंद कर दिया। अभी ये दाल है ना बॉल में ट्रांसफर कर रही है, अभी इसको ऊपर तड़का दिखा रही है मैं। दो टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया है, अभी इसका ऊपर हम लोग एक टीस्पून जीरा डालेगा, एक टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है, पहले डाल के रखा है ना हम लोग ने थोड़ा सा। अभी आधा टीस्पून हींग डाल दिया है, हींग का टेस्ट अच्छा आता है। अभी इसके ऊपर लहसुन डाल रही है, मैंने चार कली लहसुन लिया है, आप लोग को पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं है, लहसुन नहीं डालेंगे तो चलेगा मगर टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग, थोड़ा सा कच्चा टेस्ट निकल जाएगा, ठीक है, कलर चेंज हो गया ना लहसुन का। अभी लाल मिर्ची डाल देंगे इसके ऊपर। अभी ये भुनी हुई प्याज रखा ना हम लोग ने, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, एकदम अच्छे से भूनने का है इसका एक दो मिनट के लिए। प्याज हम लोग भून के साइड में रखा ना, वो भी तड़का के अंदर डाल दिया। एक टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही है, ये तीखा नहीं है लाल मिर्ची पाउडर, एकदम अच्छा कलर आएगा, टेस्ट भी बढ़िया आ जाएगा। एकदम मिक्स हो गया, गैस बंद कर रही है। अभी ये तड़का हम लोग ने दाल के अंदर डाल देंगे। एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है ना, भगत तारा चंद होटल का स्टाइल का मैंने दाल दिखाया आप लोगों को, मैं कैसा बनाया वैसे ही डाल के आप लोग बनाइए, घर में खा लीजिए। आप बना के खाने के बाद कैसा टेस्ट आया मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हेल्दी फूड खा लीजिए, हेल्दी रहिए, बहुत ही अच्छा अच्छा टेस्ट खाना दिखा रही है मैं, मेरा चैनल को फॉलो कर दीजिए। ये कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मेरे को मालूम पड़ेगा कैसा आप लोग बनाया नहीं बनाया कैसा लगा, मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। आप लोगों को और अच्छा अच्छा खाना वैरायटी आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग थोड़ा सा कमेंट दीजिए। ये दाल अच्छा लगेगा आप लोग को, फ्रेंड्स को, आप लोग को, परिवार को, मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।